डीक का किला डीक पैलेस से बहुत ही पास है। किले की दीवारें आज भी वैसी ही मजबूत और विशाल दिखाई देती हैं। तो चलो फिर चलते हैं हम किले में अंदर। जैसे ही हम किले में अंदर गए तो हम देखते हैं कि किले में रेनोवेशन का काम चालू है। जहाँ जहाँ टूट फूट हुई है वहाँ मरम्मत चल रही थी। Hey, hello, what is up, guys? Welcome back to another video. Part 2 of this डीक series. और हम आए हैं अब डीक के किले में। डीक का किला जो है बिल्कुल डीक महल से बिल्कुल ही पास है, मतलब बिल्कुल सटा हुआ ऑलमोस्ट। और यहाँ पे अंदर आ चुके हैं, अंदर से आपने अभी आने का देख लिया होगा टाइम लैप्स। और हम जा रहे हैं सीधा ऊपर कैनन को देखने। ये जो किला है बेसिकली यहाँ पे जो है सब सेना की ट्रेनिंग होती थी, सेना को ट्रेन किया जाता था। और दो तोप रखी हैं, लाखा लाखा तोप नाम से जो है तोपे हैं, जो कि हर एक टॉप कॉर्नर्स पे एक ये रही और एक वहाँ पे रखी हुई है, जो कि फायर किए गए थे 1722 में, जब महाराजा जवाहर सिंह ने दिल्ली के किले पे रेड फोर्ट पे अटैक किया था, तो दो बार फायर किया गया था। तो हम उसको अब देखने जा रहे हैं। अब तो देखो कुछ जंगल जंगल सा हो गया, पेड़ पौधे यहाँ उग रहे हैं। और हम जाना जा रहे हैं ऊपर, यहाँ से चढ़ने का रास्ता है और वहाँ तक ऊपर टॉप तक हमें जाना है। ऑलमोस्ट अब मैं ऊपर पहुँचने ही वाला हूँ। इतनी ज़्यादा हाइट नहीं है, पर इस तरह से बनाया हुआ ना एकदम स्लाइडिंग वे में, उस तरह से चढ़ने में हालत ख़राब हो रही है। और यहाँ पे कुछ यहाँ से हमें जाना है, स्टेप्स हैं यहाँ पे। और यहाँ से पूरा जो है डीक शहर दिख रहा है, मैं आपको दिखाऊँ बहुत अच्छा नज़ारा है। थक गया हूँ मैं, इसको पकड़ भी नहीं पा रहा सही से कैमरा को। पूरा डीक शहर दिख रहा है और देखो ये पूरा जो है यहाँ से आप ऊपर से देख पा रहे हो। जैसा मैंने आपको लोहागढ़ फोर्ट भरतपुर में दिखाया था कि किले के आसपास जो है फोर्ट के, मतलब लोहागढ़ में भी, मतलब जय यानी कि भरतपुर में पानी था सराउंडिंग में सुजान गंगा नाम से, तो यहाँ पे भी एक कैनाल बनाई हुई है जो कि इस पूरे किले को सुरक्षा देती थी। जब अगर कभी अटैक वटैक होता था तो पहले यहाँ पे गेट वगैरह बंद कर दिए जाते थे, ऊपर से कैनन फायर की जाती थी, यहाँ सब सिपाही रहते थे। देखो इतनी चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं, इतनी चौड़ी दीवारें हैं, देखो सोचो ये दीवार है, कहीं कहीं तो इतनी चौड़ाई है इसकी जैसे यहाँ पे देखो एक जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है इतना चौड़ा है, कितना चौड़ा है यहाँ से लेके यहाँ तक अराउंड आराम से 30 फीट चौड़ाई होगी उस जगह पे। और इस जगह पे जो चौड़ाई होगी वो आराम से 22-25 फुट होगी, यानी 20-25 फीट होगी। तो इतनी चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं यहाँ की। और एक जो कैनन वहाँ पे आप देख पा रहे हो, मैं दिखाता हूँ, एक वो कैनन है और एक हम यहाँ पे जो है टॉप पे जा रहे हैं देखने, एक यहाँ पे कैनन है। तो मैं चलो आपको लेके चलता हूँ सीधा ऊपर। तो फाइनली हम ऊपर अब टॉप पे आ चुके हैं। बहुत थकाने वाला प्रोसेस है ऊपर तक आना, क्योंकि एक तो महल में चढ़ना पड़ता है वहाँ से नीचे से ऐसे स्लोप में जो है चढ़ने का रास्ता, ऊपर सीढ़ियाँ यहाँ पे। और देखो जैसे मैं बता रहा था ये पूरी नहर है, पूरे किले के अराउंड नहर है। और ये जो है ये वो तोप है मैं जिसकी बात कर रहा था आपसे, क्योंकि इस तोप का नाम लाखा तोप है और इसको ही जो है दिल्ली के रेड फोर्ट पर फायर किया गया था उस टाइम। और इसने जो है उस टाइम दीवारें वहाँ की तोड़ दी थी, इतनी बड़ी तोप है। और यहाँ से जो पूरा पूरा जो शहर दिख रहा है, पूरा शहर यहाँ से दिख रहा है हमें, पूरा डीक शहर, पूरा शहर, क्योंकि हम सबसे ऊँचाई वाली प्लेस में, ये जो किला है सबसे ऊँचा है। और देखो मैं जब आपसे बता रहा था जो पैलेस है, पैलेस ये रहा पीछे,
तो जब ये तोप फायर की गई, मैं आपको एक छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री देता हूँ, आपने मेरी पहली वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि तोप जब फायर की गई थी तो जो महिलाएं प्रेग्नेंट थी, मतलब उस टाइम जिनका 7 महीने का गर्भ था, तो उन्होंने 7 महीने में ही मतलब अपने बच्चों को जन्म दे दिया था। इस तोप की उतनी धमक थी कि इतना इम्पैक्ट इतना था कि 7 महीने में ही जो है बच्चों को उन्होंने जन्म दे दिया था। यहाँ पे जो भी सिपाही रहते थे इस तोप में जब फायर करते थे, मतलब गोला जब दागा जाता था तो वो जला के और यहाँ नहर में यहाँ खाई में इसमें नीचे कूद जाते थे, क्योंकि उसकी जो धमक इतनी थी उससे बहरे ना हो जाए या मर ना जाए, इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता था तो वो नीचे कूद जाते थे खाई में। सो ऐसी कुछ यहाँ की हिस्ट्री रही है, काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री रही, काफ़ी अच्छा प्लेस है ये विज़िट करने के लिए। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पहुँचने का रास्ता जो है ट्रेन से भी है और आप बस से भी आ सकते हो। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो दिल्ली से यहाँ का रास्ता जो आपको पड़ता है वो 124-125 किलोमीटर पड़ेगा, और भरतपुर शहर से आपको ये जो है 32 किलोमीटर पड़ने वाला है। तो आप यहाँ भी आ सकते हैं। मथुरा से मैं आपको बता दूँ, मथुरा से आपको ये पड़ेगा 30 किलोमीटर, और वृंदावन से हमें जो पड़ा है, हम वृंदावन से हैं तो हमें पड़ा है 44-44 किलोमीटर का इसका रास्ता हमें यहाँ तक पड़ा है। किले के ऊपर से आप पूरा डी शहर देख सकते हो, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगता है। किले से आप डीक पैलेस भी देख सकते हो। तो देखो यहाँ पे भी टॉप से जो है पूरा पैलेस दिख रहा है, पूरा पैलेस दिख रहा है यहाँ से। हवा काफी तेज चल रही है, ये पूरा पैलेस है। ये एक तालाब है बाहर में और एक अंदर स्टार्टिंग में, पूरा पैलेस यहाँ से हमें डीक के किले से और टॉप पे से यहाँ से हमें दिख रहा है। मौसम काफी अच्छा है वैसे। किले की दीवार से उतरने के बाद हम जा रहे थे दूसरी तोप की तरफ, जहाँ पे किले का दूसरा प्रमुख भाग भी हमें दिखाई देता है। आज वहाँ पे काफ़ी सारे लोग रहने लगे हैं जो कि किले की मरम्मत में लगे हुए हैं। जहाँ भी टूट फूट होती है वहाँ पे किले की मरम्मत इन लोगों द्वारा ही की जाती है, जो कि अंदर किले में ही रहते हैं। आई थिंक दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। होप करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर कर देना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, और ये सीरीज़ कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। यहाँ पे आने की मैं लोकेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी स्टे सेफ, स्टे होम, मास्क लगाओ, वैक्सीन लगवाओ। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।